बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शेखर सुमन से हमारे संवाददाता सुमित शुक्ला ने खास बातचीत की है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन, जो की सीरीज हीरा मंडी में नजर आने वाले हैं और ये सीरीज से जुड़ी कई बातों पर हमसे खुलकर चर्चा करेंगे। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। शेखर जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए, थैंक यू जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी से कम बैक कर रहे हैं, तो कितना खुश है, क्या बोलना चाहेंगे? मतलब देख लीजिए, आज एक ही चर्चा है पूरी इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में। हीरा मंडी जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उससे इतना ज्यादा क्यूरोसिटी जो है वो बढ़ गई है। लोग इतने एक्साइटेड हैं, दे ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस। और ये एक बहुत बड़े कैनवस पे, बहुत बड़े स्केल पे है। मतलब मैं नहीं समझता गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद नेटफ्लिक्स पे भी इतना इतने इतना कोई भव्य सीरीज आया है। बिल्कुल आप ये समझ ले कि ये फिल्म है जो कि आपको एक छोटे पर्दे पे दिखाई जा रही है। हालांकि ये हकदार है बड़े स्क्रीन पे आने के लिए और शायद आएगी भी, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक कास्ट को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, अपनी कास्टिंग को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, और इस बात से एक्साइटेड हूँ कि मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहा हूँ। रियली वेरी एक्साइटेड। सीरीज में आप एक नवाब का किरदार निभा रहे हैं, तो ये नवाब के किरदार को अडॉप्ट करने के लिए कि आपने किताबें पढ़ी या तो आप रियल लाइफ आप नवाब से मिले, कैसे कि आपने इस कैरेक्टर की तैयारी की? देखिए, जब भी आदमी घूमता है, इधर उधर जाता है, अपने शहर से बाहर जाता है, जैसे कभी लखनऊ गए, पुराने नवाबों से मिला हुआ हूँ, वहां की अदब अदायगी जिसको कहते हैं नशिश्तो बरखास्त, जो डिमीनर है, जैसे कैसे बैठते हैं, उठते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, और उनका उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अलग गुरूर होता है ना, और अलग सुरूर होता है। तो वो सब कहीं ना कहीं मैं देखता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ, चूंकि शेर शायरी का भी शौक रहा है, तो उस दुनिया से मैं बहुत वाकिफ हूँ। और फिर इंटरनेट पे इतना सारा रेफरेंसेस है, उनको देख के फिर संजय साहब ने बताया कैसे वो चाहते थे, तो कुछ मेरी तरफ से, कुछ उनकी तरफ से मिला जुला के एक फिर शख्सियत को तैयार किया गया, क्योंकि वो इस तरह के होने चाहिए अपने तखयल, अपने इमेजिनेशन से, और इस तरह से वो किरदार बना। किरदार देखिए, या तो आप मिले होते हैं इन किरदारों से, या किरदार को इमेजिन किया जाता है कि वो ऐसे रहे होंगे या ऐसे होने चाहिए, उस हिसाब से उसका खाका तैयार किया जाता है। तो हाँ, रिसर्च उस हिसाब से मैंने किया, और नेट पे भी जाके बहुत इस तरह की फिल्में हैं और इस तरह के किरदार जो दूसरे कलाकारों ने निभाए उनको देखा। सीरीज में आपका किरदार ज्यादातर मनीषा कोइराला के साथ है, तो वैसे वो भी 90s की एक्ट्रेस हैं, आप भी 90s के एक्टर हैं, तो उनके साथ कैसी क्या बॉन्डिंग रही, क्योंकि आप काफी लंबे समय बाद काम कर रहे हैं? ये पुरानी पहचान से हमेशा फायदा तो ये होता है, एक वाकफियत रहती है, एक दोस्ताना रहता है, फ्रेंडशिप रहती है, जिसकी वजह से काम करना ज्यादा आसान हो जाता है, उसमें एक सहूलियत आ जाती है। तो उस लिहाज से, चूंकि मैं मनीषा को बहुत दिनों से जानता हूँ और यदा कदा बातें भी होती रहती हैं एक दूसरे से, फोन पे कभी कभी मुलाकातें हो जाती हैं, बहुत क्लोज इंटरवल्स पे नहीं, लेकिन फिर भी हो जाती है। और ये इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हम दोनों साथ काम कर रहे हैं, हम दोनों का रोल एक दूसरे के ऑपोजिट है, उस लिहाज से बहुत मजा आया। दूसरे जो किरदार है उनमें से कुछ एक लोग थे जिनके साथ मैंने किया काम, लेकिन ज्यादातर काम जो है वो मनीषा के साथ ही। सीरीज के ट्रेलर में ये तो समझ में आ रहा है कि एक महिलाओं पर आधारित सीरीज है, जो कि आजादी के लिए हीरा मंडी की लड़ाई ये लड़ती है, तो और नया दर्शकों को क्या देखने वाला है सीरीज में? बहुत कुछ, वो नया तो तभी होगा जब वो देखेंगे, अगर मैं अभी बता दूं तो पुराना हो जाएगा। तो उसमें देखिए, आम जिंदगी में भी, या राजे रजवाड़ों या नवाबों या तवायफ, जो भी हो जिंदगी में, क्या क्या चीजें जो हैं वो खास होती हैं, कि आप जिंदगी कैसे जीते हैं और अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। उसमें प्यार होता है, प्यार में होता है जहां वहां धोखे भी होते हैं, एक एक जिंदगी में पावर के लिए आदमी लड़ता है, एक फ्रीडम की लड़ाई लड़ता है। तो ये सब मिले जुले जो इमोशंस है वो आपको देखने को मिलेंगे, कि हीरा मंडी में तवायफों की जो एक अलग से दुनिया है, जो दुनिया के अंदर एक दुनिया है, जो यानी हम जिस समाज में रहते हैं उसके अंदर एक और समाज जो इस समाज से बिल्कुल परे है, क्योंकि ये समाज उस समाज को हकारत भरी नजरों से देखता है कि ये तवायफे हैं।
लेकिन आपको जान के ये हैरत हैरत होगी कि इन तवायफों के घर में तमाम बड़े नवाब जाया करते थे, उनके बच्चे जाया करते थे तहजीब सीखने, तहजीब तमद्दुन अदब सीखने जाया करते थे। उनमें वो जो मेरा किरदार है जुल्फिकार का, वो भी जाया करता था। और उन्हीं के बीच में किस तरह से हीरा मंडी में जो एक तख्त है, यानी कि जो उस तख्त पे जो तवायफ बैठती है, उसकी एक लड़ाई चलती है। दिस अ पावर स्ट्रगल, सक्सेशन की लड़ाई, कि अब इसमें कौन बैठेगा, क्योंकि ताकत उसी के हाथ में जाने वाली। और उससे जुड़े तमाम किरदार जो नवाब हैं, कोई इनके साथ कोई उनके साथ, कभी नवाब जो है तवायफों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कभी तवायफें नवाब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कभी दोनों को एक दूसरे को यूज करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें क्या कुछ होता है, और उस तख्त तक पहुंचने के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी जाती है, क्या क्या कंस्पिरेसीज होते हैं, क्या क्या गलत काम लोग करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, आपको तो मालूम है कि गद्दी की लड़ाई और कुर्सी की लड़ाई में क्या क्या होता। तो ये सारी चीजें हैं। और चूंकि ये आजादी से पहले की कहानी है, यानी फ्रीडम मूवमेंट की कहानी है, उसका बैकड्रॉप है, तो उसके बीच में अंग्रेज भी थे, अंग्रेजों के साथ इनका क्या इक्वेशन था, क्या रिश्ता था, कौन अंग्रेजों के साथ था, कौन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, ये तमाम चीजें आपको कहानियों में देखने को मिलेंगी। और इस कहानी में, और आपको मालूम है कि बंसाली साहब के सेट्स, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनका म्यूजिक, उनका बैकग्राउंड स्कोर, उनकी एडिटिंग, उनका प्रेजेंटेशन, वो मतलब हर हर किसी निर्देशक से जुदा रहता है, मुख्तलिफ रहता है। उस लिहाज से उन्होंने ये जो दुनिया बनाई है वो ऐसी खूबसूरत दुनिया बनाई है, लेकिन उस खूबसूरती के अंदर भी बहुत सारी बदसूरतियां जो है वो छिपी हुई हैं, कुछ धब्बे वहां भी हैं, जो आप देखेंगे इस सीरीज को तो आपको बहुत लुत्फ आएगा। आपको कभी ऐसा विचार तो आया होगा कि एक बार मैं हीरा मंडी जाके देखूं कि आजादी से पहले और अब क्या अंतर है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब अनफॉर्चुनेटली अब हीरा मंडी जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान चला गया है, उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था। लेकिन मैं डेफिनेटली सीरीज शुरू करने से पहले और सीरीज करने के बाद बहुत बहुत सारी क्यूरोसिटी मेरी है, और शायद मैं जाऊं अगर मुझे मौका मिले, कि हीरा मंडी असल में कौन सी जगह थी, यहाँ क्या होता था। और मैं बतौर एक्टर वहां जाके खड़े होकर सिर्फ इमेजिन करना चाहता हूँ कि आज से कोई 50-60-70 साल पहले यहाँ क्या क्या होता रहा होगा। वो अपने आप में एक बड़ा ही आनंददायक एक, एक, एक अनुभूति होगी। तो मैं वहां जाके देखना चाहता हूँ, सोचता हूँ। जो हीरा मंडी के मैंने जो कुछ विजुअल शॉट्स देखे हैं जो इंटरनेट पे हैं, वो तो बड़ी ऐसे ही अजीबोगरीब हालत में है, लेकिन जो बंसाली साहब ने हीरा मंडी को जो दुनिया की जो रचना की है वो तो अद्भुत है। और यही उनकी खासियत है कि चाहे वो किसी चीज के बारे में, अगर आपको वो नर्क के ऊपर भी फिल्म बनाएंगे तो नर्क आपको स्वर्ग के जैसा नजर आएगा, ये उनकी खासियत है। तो बहुत हीरा मंडी की जो रचना की है बहुत खूबसूरत और बहुत लोगों को मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसी दुनिया के बारे में न कभी लोगों ने देखा, न सोचा, न उनकी समझ है। और अगर उस दुनिया में ऐसी कहानियां हैं जो आपको उलझा देंगी और आपको इंगेज कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ऑडियंस के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। सीरीज में आपके साथ बैठे अध्ययन सुमन भी है, तो उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि एक तरफ पिताजी एक तरफ बेटे? देखिए हम दोनों अलग इंडिविजुअल्स हैं, घर में जरूर फादर एंड सन है, पापा बेटे है, लेकिन जब हम सेट पे जाते हैं तो हम दो अलग शख्सियत हैं, दो अलग किरदार हैं। और उनको बड़ी मेहनत करने के बाद, ये ऑडिशन देने के बाद ये सीरीज मिली थी। बल्कि मैंने उनको कहा कि मुझे तुमसे जलन है कि तुम्हें बंसाली साहब की मिल गई और मुझे नहीं मिला, ये कोई रोल ही नहीं मिला। और मैं मेरा ये कहना था, आधे घंटे के बाद मुझे भी कॉल आया कि बंसाली साहब चाहते हैं कि आप एक बहुत अहम रोल करें। तो ये भी एक बड़ा हसीन और अजीब इत्तेफाक है, और बहुत अच्छा किया उन्होंने। बंसाली साहब ने उनके पहले शॉट देने के बाद मुझे फोन किया, जो किसी को नहीं करते, और उन्होंने कहा कि मतलब हीरा मंडी का एक हीरा तो यहाँ है मेरे सामने, ये कमाल का लड़का कहाँ था इतने दिनों से, और मुझे बड़ी खुशी कि मैंने इसे लिया। इसने 5 मिनट का टेक, एक सिंगल टेक में दिया, सब लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई और बहुत तारीफ किए, और मेरे आंखों में आंसू आ गए। और मैंने उनको कहा फिर जब अध्ययन घर आए कि बंसाली साहब ने ऐसे फोन करके तुम्हारी तारीफ की, और तुम ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारे लिए किसी भी ऑस्कर या नेशनल अवार्ड या किसी भी अवार्ड से 100 गुना बड़ा है, और इसे अपने हमेशा सीने और अपने दिल के करीब रखना।
कुछ लोगों का कहना है कि संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज में उन एक्टर्स को लिया है जो काफी लंबे समय से इंडस्ट्री से गायब चल रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो हीरे होते हैं वो कम ही दिखाई देते हैं, जो पीतल और जो हल्के सोने होते हैं वो हर जगह आंखों के आगे छलकते रहते हैं। तो हीरा मंडी में उन्होंने जितने हीरे थे उनको चुना है, और जिनकी थोड़ी सी चमक शायद किसी वजह से कम हो गई हो, उसे दोबारा पॉलिश करके लोगों के सामने पेश किया है। और हीरा हीरा होता है, जितने कलाकार आप देख रहे हैं वो सब हीरे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा दौर आया है जब पुरानी चीजें, पुराने एक्टर्स, पुराने मतलब जो मच्योर एक्टर्स हैं, परिपक्व एक्टर्स हैं, जो बेहतरीन एक्टर्स, उनको देखने की चाह जो है वो दर्शकों में दोबारा जागृत हुई है। आप देखिए, बॉबी देओल इतने दिनों तक बाहर थे और सडनली ऑडियंस ने उनको इतना सारा प्यार दिया एनिमल फिल्म में, और वो वापस आ गए। इसी तरह से इसमें फरदीन खान जो है पिछले 14-15 साल से बाहर थे, वो वापस आ गए। इसमें मनीषा ने लगभग फिल्म छोड़ दी थी, फिल्में करनी, उनका कहना था कि अब मैं वापस जा रही हूँ, मैं नेपाल सेटल हो जाऊंगी, मुझे नहीं करना। उनको लेके आए, मैंने बहुत दिनों से फिल्में नहीं की थी, अध्ययन बहुत दिनों से कोई बड़ी फिल्में, सबको लेके आए। और इनमें एक नया जोश रहता है, इनमें कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होती है, क्योंकि जिनके पास बहुत सारी फिल्में हैं और जो बहुत चीज कर रहे हैं वो शायद दे टेक द सक्सेस फॉर ग्रांटेड कि हाँ ठीक है हमारे पास है। हम सब में काम एक कुछ कर गुजरने की एक ख्वाहिश थी, तमन्ना थी। तो हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं भंसाली साहब के, कि उन्होंने ये विश्वास जताया, दिखाया हम लोगों के प्रति, और हम लोगों को साथ लेके आए। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, आप 2009 में कांग्रेस के टिकट से आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो देखिए, अभी आपका विचार आया कि मुझे वापस पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? इतनी बड़ी फिल्म मिल गई हीरा मंडी, एक रास्ता इतना खुला है, और तो इसी मंडी में रहने दीजिए, और किसी मंडी में मुझे नहीं जाना है। और क्योंकि मैं तो पैदा यहीं के लिए हुआ था, वो इत्तफाकन जाने कब कैसे क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो काम मिल रहा है, जो काम करने वाला हूँ, इसलिए राजनीति के प्रति मेरा अभी कोई इस तरह का ख्याल नहीं है कि मैं उससे जुड़ना चाहूंगा। मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूंगा, जी क्या जी आपने कंगना रनौत को बधाई दी? वो मंडी से चुनाव लड़ रही है। सबको बधाइयां हैं, मुझे किसी को पर्सनल लेवल पे बधाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी वाकिफियत नहीं है लोगों से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह, जो भी है पूरे हिंदुस्तान में, जहां से भी ये 453 सीट्स के लिए लोग खड़े हो रहे हैं उम्मीदवार, सबकी अपनी एक शख्सियत है, सबकी अपनी पहचान है, सब मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो इस पार्टी से है या उस पार्टी से। तो सबको मेरी तरफ से बधाइयां, शेखर जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन, जिन्होंने अपनी सीरीज हीरा मंडी को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।